माय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रीतम प्यारे और आप देख रहे हैं प्यारे विद पीसी यूट्यूब चैनल। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज के हमारी वीडियो का टॉपिक है कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC। एप्लीकेशन में यह दिखा रहा है तो क्या करना होगा। फ्रेंड्स, अगर आपकी जो एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर है उसे आप स्टेटस देखते हैं तब आपका यह दिखाता है एप्लीकेशन इज अंडर क्वालिटी टू चेक फॉर न्यू अपडेट्स। फ्रेंड्स, इसका क्या रीज़न है, चलिए इस वीडियो में हम बताएंगे। फ्रेंड्स, इस टॉपिक पर हम एक पहली वीडियो डाल चुके हैं, ये उसका सेकंड पार्ट है। तो फ्रेंड्स, इस सेकंड पार्ट में हम आपको कुछ नया बताने वाले हैं। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर आ जाना है, गूगल क्रोम किसी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको टाइप करना है CSE रजिस्ट्रेशन। इसके बाद आपको थ्री डॉट पर जाना है और इसे डेस्कटॉप साइट में ओपन कर लेना है। फ्रेंड्स, इसके बाद आपको CSE रजिस्ट्रेशन वाले फर्स्ट लिंक पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको आना है क्लिकिंग हेयर पर क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स, इसके बाद आपको यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर डालने हैं जो आपके हैं और यहाँ पर जो कैप्चा कोड शो रहा है वो यहाँ पर डाल के सबमिट कर लेना है। फ्रेंड्स, इसके बाद आपके सामने अगर इस प्रकार का एक नोटिस शो होता है फ्रेंड्स, तो आपको क्या करना होगा, चलिए इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी दे देते हैं। फ्रेंड्स, आपके सामने अगर इस प्रकार का ऑप्शन शो होता है तो अगर आपने CSE के लिए न्यू ID के लिए अप्लाई किया है और आपकी ID अब तक आई नहीं है और यह दिखा रहा है, तो ये समझ लीजिए कि आपका जो आपने डाटा अपलोड किया है उसे CSE दोबारा चेक कर रहा है अप्रूवल देने के लिए। फ्रेंड्स, ये तो हुआ। अगर आपकी ID नहीं आई है तो फ्रेंड्स, अगर आपकी ID आ चुकी है और आपने KYC अपडेट कर दिया है तो इसके बाद भी इसी प्रकार ऑप्शन शो होता है। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी और फिर भी आपने KYC अपडेट कर दिया, आपकी CSE ID आ चुकी थी और आपको लगा कि हमारी ID इसलिए नहीं चल रही है कि हमारे कुछ KYC में गलती है, तो आपने गलती से KYC अपडेट कर दिया है और अब आप पछता रहे हैं कि हमने KYC अपडेट क्यों कर दिया। तो फ्रेंड्स, चलिए हम आपको बताते हैं कि इससे कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। आपकी जो एप्लीकेशन है, अगर आपने अपना जो आधार कार्ड से KYC की है अपडेट और वह अच्छी प्रकार से अपडेट हुआ है, सक्सेसफुली अपडेट हुआ है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपका 72 घंटे के अंदर अंदर अप्रूवल मिल जाएगा। फ्रेंड्स, आप चिंता मत कीजिए, आपको इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 72 घंटे के अंदर आपकी CSE जो KYC अपडेट की है वह क्वालिटी चेक फॉर न्यू अपडेट दिखा रहा है, यह 72 घंटे के अंदर ठीक होकर आपकी KYC अपडेट हो जाएगी और आपकी CSE ID एक्टिवेट हो जाएगी। फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत कमेंट आई थी इस बारे में, इसलिए मैंने ये वीडियो दोबारा अपलोड की है ताकि जिनको यह प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है उन्हें कोई समस्या न आए। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके इसे ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। फ्रेंड्स, धन्यवाद। फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा, सी यू।